वेलकम फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ MPR भरने का आसान तरीका, इजी वे टू सबमिट योर MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट थ्रू एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम और EPMS पोर्टल। तो कैसे इसमें स्टेप्स रहेंगे वो मैं सब बताने की कोशिश करूँगा ताकि हर कोई टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल जो भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो अपना MPR अपने मोबाइल फ़ोन से ईज़िली सबमिट कर पाए। इसमें कोई टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं, वो सारे स्टेप्स मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो, और मेरी कोशिश रहती है कि हर एक, चाहे वो नॉन टेक्निकल ही क्यों ना हो, हर एक बंदे के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए एक वीडियो बनाया जाए ताकि वो उसको प्राउड हो कि मैं भी एक टेक्निकल बंदा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। SS टेक्निकल सॉल्यूशंस मेरी चैनल है तो ये सब्सक्राइब करना। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक ऐप सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर, मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। इस ऐप का नाम है संदेश ऐप, यानी प्ले स्टोर में जाएंगे और मैं स्टेप्स दिखाऊंगा किस तरह से पहले ये ऐप हमें, ये गवर्नमेंट ऐप ही है, कैसे डाउनलोड करनी है। तो चलिए पहले अपने मोबाइल पर ही, और यहाँ पर प्ले स्टोर से सर्च बटन में लिखिए संदेश ऐप, SANDES। सर्च करने के बाद ये वाला संदेश ऐप इस लोगो के साथ आपको इंस्टॉल करनी होगी। सबसे पहले यही वाला स्टेप आएगा, ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। छोटी एक ऐप है, 23 MB की ऐप है। जस्ट एक मिनट से पहले ये डाउनलोड होगी और आपको ये ऐप सबसे पहले डाउनलोड करनी अनिवार्य है, ज़रूरी है। जस्ट दिस और ये ऐप डाउनलोड हो गई, डाउनलोड संदेश ऐप जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड करने के बाद इसमें थोड़े बहुत स्टेप्स जो है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, आप बने रहिए और स्टार्ट से एंड तक मेरे साथ बने रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसमें जो एलो दिखा रहा है, यहाँ पे एलो आपको करना है। देन मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, बट मेक श्योर कि वही मोबाइल नंबर जो आपके CPIS के साथ कनेक्ट है, अपडेट है, वही कीजिए। देन गेट OTP पे आप टैप कीजिए और OTP वेरिफिकेशन के लिए आपको OTP मिलेगा इस नंबर से, और आपको यहाँ पे सबमिट करना है। OTP आपका आ चुका है, और उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो जो है, प्रोफाइल फ़ोटो ये मैंडेटरी नहीं है, आप अगर लगाना चाहते हो आप अपडेट कर सकते हो अपना फ़ोटो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ अपॉन यू, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो और स्किप कर सकते हो, बट फुल नेम आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए, फुल नेम जो सर्विस बुक में है वही आप, बट मैंने ABCD लिखा, आप अपना नाम लिखिए, ये मैंडेटरी है, फुल नेम एज पर योर सर्विस बुक। देन योर जेंडर, मेल और फीमेल, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। और कंफर्मेशन के लिए आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी इस ऐप के थ्रू कि आपकी ऐप एक्टिव हो चुकी है, और देन अगेन हमें वेब ब्राउज़र में वेब एड्रेस लिखना है और इस पोर्टल पर आना है, EMPS पोर्टल पर आपको दोबारा आना है। एंटर, यहाँ भी आप एड्रेस देख सकते हो। तो जो इंटरफेस है इस तरह से खुलेगा, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल EMP, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सहायता से ये पोर्टल बनाया गया है। तो इसमें हमें क्या करना होगा वो स्टेप्स आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि हमें जो अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करना है वो हमें 7th March से पहले ही सबमिट करना होगा, फॉर मंथ ऑफ फेब्रुवरी, यानी इसी मंथ से हमें ये स्टार्ट करना है, और हर मंथ हमें किसी भी मंथ की 7 तारीख से पहले ही हमें ये सबमिट करना होगा, अपनी लास्ट वाली मंथ का रिपोर्ट जो हमें परफॉर्मेंस किसमें की है वो किस तरह हम करेंगे, वो सारे स्टेप्स आप देख सकते हो। जस्ट स्क्रोल डाउन, थोड़ा हमें स्क्रीन को नीचे करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो ऑप्शन हमें मिलेगी
वो है रजिस्टर और लॉगिन। रजिस्टर उनके लिए जिन्हें पहली बार सबसे पहले बार इस पोर्टल पे आना है, उन्हें सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा इस पोर्टल में, और लॉगिन उनके लिए जो एक बार रजिस्टर कर चुके हैं इस पोर्टल पे। तो मोस्टली एम्प्लॉय जो पहली बार आएंगे वो रजिस्टर ही करेंगे यहाँ पे डालने के बाद, यानी यूजर आईडी उनके पास नहीं होगा, तो वो न्यू यूजर, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू यूजर पे ही क्लिक करेंगे और अपना CPIS ID, CPIS कोड जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, वो यहाँ पे डालेंगे, और गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स डालने के बाद आपका नाम, डिपार्टमेंट जो भी है, DDO कहाँ है आपका, वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स में मिलेगा। और इसके लिए आपको संदेश ऐप ऑलरेडी आपके मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड होनी चाहिए, ताकि वहां पे आपको OTP चला जाएगा और वो एक्टिवेट होगी। और इसके साथ ही आपको यहाँ CPIS डालने के बाद, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ, तो मेरे लिए अगर मैं ये वाला आईडी डालूंगा तो मुझे ये ऑप्शन दिखाएगा, रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट, प्लीज लॉगिन। न्यू यूजर पे ही टैप करना है, क्लिक करना है, देन एंटर CPIS ID। CPIS ID एंटर करने के बाद CPIS ID हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ऑलरेडी है, और वही CPIS ID एंड देन गेट डिटेल्स पे टैप करना है। गेट डिटेल्स पे डालने के बाद आपका सारा CPIS डालने के बाद गेट डिटेल्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपका नेम, सारी डिटेल्स, डिपार्टमेंट और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। क्योंकि मैंने इसमें भी CPIS नहीं डाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन की है, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट प्लीज लॉग इन, यानी मुझे डायरेक्ट लॉग इन करना है। बट मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो उनके लिए पहले ये करना होगा। और जिन जिन्होंने पहले साइन इन, सॉरी, यूजर बनाया है, रजिस्ट्रेशन किए हैं, वो यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन करेंगे। और साइन इन किससे करेंगे, यूजर नेम उनका अपना CPIS कोड ही रहेगा, और पासवर्ड वो जो इन्होंने इससे पहले न्यू यूजर में किया होगा, यानी क्रिएट किया होगा। आपको पासवर्ड अपना क्रिएट करना है, बट वो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा वो पासवर्ड। आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हो, बट ये जरूरी है कि आपको पुराना वाला याद होना चाहिए। तो वो आप कभी डायरी पे या किसी और जगह लिख के रखिए, वरना प्रॉब्लम होती है बार बार। देन आपको कैप्चा कोड डालना है यहाँ पे। ये स्टेप्स आप यहाँ पे आपको पूरी तरह से देखने होंगे, स्टेप्स क्या है, बिल्कुल आसान स्टेप्स। कैप्चा यहाँ पे दिया है, आपको यही देना है साइन इन करने के लिए। आपका यूजर नेम आपका CPIS कोड है, देन आपका पासवर्ड जो आपने न्यू यूजर बनाने के टाइम बनाया है, कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हो, देन वेरिफिकेशन कोड एंड लॉग इन। यहाँ पे मेरा सारा फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स में नेम, CPIS कोड, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ऑफिस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारा जो यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये एज पर CPIS ही रहेगा, यानी CPIS पे जो रजिस्टर है वही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज एक है, रिपोर्टिंग ऑफिसर्स डिटेल्स जो है आर नॉट अवेलेबल, प्लीज अपडेट, यानी उस रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल्स जिसको हमें अपना रिपोर्ट सबमिट करना है, जो हमारा DDO है, तो उसका CPIS कोड आपको यहाँ पे डालना है, CPIS ID यहाँ पे डालनी है। मुझे नहीं मालूम
मुझे कि मैं रैंडमली ऐसे ही कोई आईडी यहाँ पे डालता हूँ, ऐसे आपको CPIS डालना है, देन गेट डिटेल्स में अपडेट करना है। गेट डिटेल्स में उसका ये आएगा कि ये है कि नहीं, यहाँ कौन है, डिजिग्नेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स आएंगी। बट ये कोई मतलब कोड सही नहीं, मैंने ऐसे ही दिखाया। आप अपना जो कंसर्नड रिपोर्ट ऑफिसर होगा, अपना DDO होगा, HOD होगा, जो भी होगा, उसका CPIS ID यहाँ पे हमें सबमिट करना है। देन यहाँ पे जो सबमिट रिपोर्ट है ये हमें देखना है, ये कलर कोडेड रिपोर्ट है। अभी यहाँ पे सारे मंथ्स जन से लेकर दिसंबर तक सारे रेड कलर में है। रेड कलर मीन्स रिपोर्ट इज नॉट सबमिटेड, यानी अभी हमने किसी भी मंथ का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। अगर ग्रीन होता, ग्रीन मीन्स रिपोर्ट सबमिटेड बट नॉट रिव्यूड, अभी ये रिव्यू नहीं हुआ है, हमने सबमिट किया है, रिव्यू नहीं हुआ है। एंड इफ इट इज ब्लू, रिपोर्ट इज रिव्यूड, दैट मीन्स हमारा रिपोर्ट सबमिट भी हो चुका है और रिव्यू भी हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमने नहीं भरा है। बट फेब्रवरी का अभी हमने भरना है, 7 तारीख से पहले पहले, 7 मार्च से पहले पहले, और ये हम हर महीने के, हर मंथ के 7 तारीख से पहले पहले हमें सबमिट करना होगा। तो उसके लिए क्या है, कैसे हम भरेंगे, बट ये कलर कोडेड जो है ये मैंने आपको पहले समझाना है। यहाँ पर 3 डॉट्स 3 लाइंस है, मोबाइल में भी इसी तरह आएगा, बट इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा, वो दूसरी साइड में आपको वो मिलेगा। सबमिट रिपोर्ट, सबमिट एक्टिविटीज में सबमिट रिपोर्ट, यहाँ पर इसी तरह रिपोर्टिंग ऑफिसर का CPIS कोड देना है, सिलेक्ट मंथ यानी किस मंथ का, फॉर एग्जाम्पल फेब का देना है, फेब मुझे सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क असाइनड 100 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है अपने काम की, जो आपके लिए डिस्क्राइब हुई थी, ये काम आपको इस महीने में करना है, तो आपने क्या किया, यानी आपने कौन सा काम इस महीने में किया है। मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर्स पे आपको ये लिखना है, ये नोट छोटा सा पैरा लिखना है आप। देन नंबर टू, नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन ऑफिस ड्यूरिंग द मंथ, ऑफिस में आपने, अपने ऑफिस में जहां पे आपकी ड्यूटी है, ये आपका स्कूल हो सकता है, जहां पे भी आपकी ड्यूटी है वहां पे आपने एक महीने में कितने दिन गुजारे हैं। देन नंबर ऑफ डेज इन फील्ड, अगर आप फील्ड में गए हो ड्यूरिंग दिस मंथ तो कितने दिन वहां गुजारे हैं। नंबर ऑफ विजिटर्स अटेंडेड, विजिटर्स कितने अटेंड किए। नंबर ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप अटेंडेड, और नंबर ऑफ ग्रीवेंसेज अटेंडेड और रिजॉल्व, जो भी होगा अप्रोप्रिएट जो भी आपका होगा वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सबमिट करोगे। फिजिकल टारगेट्स अचीव ड्यूरिंग द मंथ, टारगेट अचीव कितना कितना आपने किया, यानी जो टारगेट था हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक एम्प्लॉय का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, जैसे एक टीचर का स्पेसिफिक टारगेट होता है सिलेबस कवरेज या क्योकरिकुलर एक्टिविटीज या किसी और चीज में, तो उसने जो करना था एज पर शेड्यूल एज पर टाइम टेबल वो किया कि नहीं, उसमें इसमें कितना अभी बाकी है या कितना कंप्लीट किया है वो यहाँ पे आपको भरना है। फाइनेंशियल टारगेट, टारगेट्स अचीव ड्यूरिंग द मंथ, यहाँ पे एनी सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन देयर टू, ये आपको सारे भरने हैं, क्योंकि ये सारे फील्ड्स मैंडेटरी हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भी अगर आप नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे स्टार है, स्टार मीन्स मैंडेटरी फील्ड। एनी सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन देयर टू, कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो आपने किया है, सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट जो किया होगा, कंट्रीब्यूशन किया होगा, वो मैक्सिमम 500 वर्ड्स में आपको भरने हैं एंड देन सबमिट। एंड इतना ही है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। बट इससे क्या होगा, ये सबमिट करने से हमारा क्या होगा, हम जो एक ये रहेगा, बैकअप रहेगा कि हमने क्या किया, और एक अथॉरिटी रहेगी जो जिसकी निगरानी में हमारा काम रहेगा, और इससे वर्क कल्चर हमारा बेहतर बनेगा। यही मकसद है इस